नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप बर्तन दुकानदार हैं हमारी तरह या होलसेल में भी हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक है, जैसा कि मैं भी बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप हमारे पास एक देख रहे हैं लोटा, ये जर्मन का लोटा होता है, लेकिन लोग इसे कहाँ से बोलते हैं या लोग इसे फूल भी बोलते हैं। यह होता है जर्मन का लोटा। तो यह एकदम गंदा टाइप से दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं धूमेल। तो ग्राहक वैसे इसे पसंद नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, करना कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा। इस तरह का आप दारा कंपनी का एक ब्रश लीजिएगा, यह बड़ा सा होता है, लगभग इतना लंबा होता है दारा कंपनी का। और थोड़ा सा ले लेंगे आप किरोसिन का तेल। अब क्या करेंगे, इन दोनों का पेस्ट तैयार करेंगे इस कटोरी में, और इसमें भी हम लेप लगाएंगे। उसके बाद में एक कपड़े से इसे पोंछ देंगे और देखेंगे इसका चमक कैसा होता है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें, मैं भी आप में इसमें चमक और नया जान डाल के दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का यूजफुल वीडियो मैं आपको देता रहूँ, और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम इसे खुरुच लेते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये हमारा कुरेद दिए हम थोड़ी सी, और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे किरोसिन के तेल। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, और थोड़ी सी ले लेते हैं। हाँ, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे हम इस तरह से लगाएंगे लोटे में, देख सकते हैं। हमारा कैमरा भी उलट पलट जा रहा है। इस तरह ग्राहक लोग भी काफ़ी खुश होते हैं आजकल हमारा इस तरह का सफाई देख के। इधर से जाइए, इधर से। इस तरह आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इसे हमें मालिश करना है, क्योंकि मालिश करने से तो दुनिया चमक जाता है, ये तो लोटे हैं। तभी हम इसे करते हैं अच्छी तरह से, और इसका चमक लाएंगे दोस्तों, एकदम फर्स्ट क्लास ये चमकेगा। क्योंकि शादी विवाह में भी लोग जो लोटा लेंगे या थाली लेंगे, कटोरा लेंगे, और बहुत से लोग तिलक में ये सब सामान को देते हैं, और ऐसा धूमेल और गंदा देंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा मेहनत करना है और इसे चमका के रख देना है। तो हमारा हो गया, बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग भी बिजी रहते हैं, ज़्यादा समय लेना ठीक बात नहीं है। ये हमारा लवलव हो चुका, अब हम फटाफट इसे इस कपड़े से पोछेंगे और देखते हैं इसकी चमक। क्योंकि कहते हैं लोग, मेहनत रंग लाती है, तो हमारा मेहनत रंग क्या चमक ला दे उतने बहुत है। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से पोछ लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जो पहले जो पीलापन था वह हमारा छूमंतर हो चुका है, और यह पूरी तरह से साफ हो चुका है, चमचमाता हुआ। अगर हमारा चमक में दम है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे लगे कि हमारे लोटे में चमक था, है कि नहीं।
इस तरह देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर हमने इसे चमक दे दिया। इस तरह दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।